वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम दो अमेजिंग वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे है एक तरफ मेरे पास ऑलमाइटी फायरबोल्ट की और एक तरफ है यहाँ पे फायरबोल्ट की एटम जो कल सेल पे जाने वाली है, ये हमारे पास आ चुकी है। और वैसे यहाँ पे दोनों में ही आपको जो कह सकते हो ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें ज़्यादा ब्राइट है, इसमें थोड़ा सा कम ब्राइट है और इस तरीके से मिल जाता है लुक और फील। तो यहाँ पे ऑलमाइटी सारी बाजी ले जाती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील आ रहा है। ये वॉच आपको 3000 तक में मिल सकती है, ये आपको 4000 तक में ऑन ऑफर देखने को मिल जाएगी। आप इसको ग्रैब कर पाओगे अभी और फ्लिपकार्ट पे बेसिकली। और डेडिकेटेड सेंसर ऐसे दोनों भी वॉचेस में देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं। और 22mm स्ट्रैप साइज़ है, आप दोनों का इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और इसी के साथ साथ स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को इसकी ज़्यादा बेटर लगी है ऑलमाइटी की। और स्टेनलेस स्टील का डायल है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पॉलीकार्बोनेट फील हो रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे मेटलिक भी लग रहा है, पॉलीकार्बोनेट भी लग रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे एक्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे ग्लास स्टेनलेस स्टील का डायल है और बटन का प्लेसमेंट और बटन की क्वालिटी इसकी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और डेडिकेटेड सेंसर तो है ही है, 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है दोनों ही वॉचेस में, देख सकते हो इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स को चेक करते हैं। यहाँ पे टैप करते हैं, आप होम पे आते हो, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो, यहाँ पे ये फिनिक्स वाला स्टाइल मिल जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो आपको ऑनर की वॉचेस में होता है उस तरीके से मिलता है देखने के लिए। नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं, यहाँ पे मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और इस बटन को टैप करते हो नीचे वाली को, तो यहाँ पे मेन्यू खुल जाते हैं पूरा का पूरा, मतलब नीचे वाली बटन को टैप करते हैं यहाँ पे भी एक्सरसाइज वाला ऑप्शन खुल जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड कम मिलते हैं, 11 से 12 मिलते हैं यहाँ पे, देख सकते हो, दैट्स इट। यहाँ पे आपको 120 मिल जाते हैं, तो कमाल की बात है, एटम में यहाँ पे बहुत तगड़ा दिया गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे टाइप करते हो, हम पे आते हो, लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हो, यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, रोटेशन मेन्यू। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं कुछ, वापस से आप होम पे आते हो अगर आप इसको स्क्रॉल करते रहोगे, राइट। डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली मेरे को इसकी ज़्यादा बेटर लग रही है, इवन एमोलेड दोनों ही हैं, बट यहाँ पे 454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, इसकी वजह से लाख मतलब कह सकते हो बेटर मिल जाती है आपको डिस्प्ले क्वालिटी कमाल की, राइट। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट्स हैं वापस से मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट्स ही मिल जाते हैं इस तरीके से, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम मेन्यू की बात करें अब, बट गाइस मेन्यू पे आने से पहले आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस तरीके के कंपैरिजन आप सभी के लिए लाता रहता हूं मैं, तो देख सकते हो इस तरीके से आपको ब्राइटनेस लेवल्स मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे मेन्यू पे चलते हैं, यहाँ पे मेन्यू पे जाने के लिए इस बटन को टैप करना पड़ेगा, ये रहा मेन्यू खुल गया आपका, अच्छा खासा स्मूथ आपको डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पे मेन्यू के लिए नीचे के साइड से स्वाइप करना है, यहाँ पे आपको रोटेटिंग मेन्यू दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे तो इनफाइनाइट मेन्यू मिल जाता है, तो यहाँ पे एक जगह से ही चेक कर लेंगे। वैसे हम क्यों ना सेटिंग पे चलें, यहाँ पे सेटिंग पे चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है सबसे पहले, ब्राइटनेस यहाँ पे कम है इवन, और यहाँ पे मैंने फुल कर रखी है, तो ब्राइटनेस लेवल डेफिनेटली ऑलमाइटी की ज़्यादा है। डोंट डिस्टर्बेंस ट्रेंड पे डायल मिल जाता है, सिस्टम मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे सिस्टम मेन्यू आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और स्टैंड बाय डायल यहाँ पे मतलब ऑलवेज ऑन का एक ही मिलता है आपको डायल, और ब्राइटनेस है यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे आपको ये रहा ये ऑप्शन मिल जाता है रिंग और ये वाला, तो इसमें नहीं मिलता, बटन टैप करते ही आप होम पे आते हो उस तरीके से। गाइज यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप फिर से देख लो किस की बेटर लग रही है। अब गाइज यहाँ पे मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेन्यू खुल गया, सबसे पहले स्ट्रेस मॉनिटर दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर इस तरीके से मिलता है, उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, ओ टू द एयर चेक कर लेते हैं इसको। बीपी मॉनिटर आपको उसमें नहीं मिलता है, तो इसमें नहीं बता रहा, अच्छी बात है। उसके साथ साथ स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर उसमें मिल जाता है, और वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाता है, एसपीटू लेवल मॉनिटर मिल जाता है। एसपीटू को ओ टू द एयर चेक करेंगे दोनों में ही, क्योंकि एसपीटू हमारा दोनों में ही अवेलेबल है, तो ये तो सीधे ही मतलब नहीं बता रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे SPO2 कहाँ गया, ये रहा, नहीं बता रहे हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते, इसमें भी आप इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते। म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे सॉन्ग्स को स्टोर दोनों में ही नहीं कर सकते। वेदर बिट्स मिल जाता है, अगर आपको सॉन्ग स्टोरेज वाली वॉच चाहिए तो थंडर के लिए जाना चाहिए, फायरबोल्ट की थंडर, वो सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको थंडर में भी। डायल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे स्टॉप वॉच मिल जाती है, यहाँ पे टाइमर मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको टाइमर कैमरा कंट्रोल मिल जाता है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है ऑलमाइटी में, इसमें भी आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, और सेटिंग का ऑप्शन है, वापस से वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग शेड्यूल है, वर्कआउट है, तो वर्कआउट में यहाँ पे भी चलते हैं। और वर्कआउट मोड कहाँ गया हमारा, ये रहा एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज है तो यहाँ पे वर्कआउट मोड है।
यहाँ पे वॉकिंग वाला चेक कर लेते हैं, ओ टू द हैंड्स, और 50 स्टेप्स को मैं रन करूँगा, देखेंगे यहाँ पे क्या बताते हैं, राइट। पहन लेते हैं। तो गैज़ आपके सामने यहाँ पे मैंने 50 स्टेप्स को रन किया, और यहाँ पे मतलब चला है मैंने तो 13 स्टेप्स दिखा रहा है सिर्फ इसमें, आई डोंट नो यहाँ पे, और यहाँ पे 44 शो कर रहा है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी मिल जाती है आपको दोनों में ही, राइट। यहाँ पे एंड करते हैं और बैक करते हैं। यहाँ पे AI वॉइस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको AI वॉइस का ऑप्शन कहाँ गया मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट ये रहा। और हार्ट रेट को हमने चेक नहीं किया था एक्चुअली, कहाँ गया था हार्ट रेट, ये रहा हार्ट रेट, होल्ड द एयर, यहाँ पे नहीं बता रहा है, अच्छी बात है, यहाँ पे बता रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे बताएगा कि नहीं बताएगा। तो गैस यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं हार्ट रेट, नहीं बता रहे हैं। अब गैस यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक करनी है, बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ उसके बाद हम और चीज़ चेक कर लेंगे, राइट। सो दोनों ही वॉचेस पेयर हो चुकी हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे येरा कॉल, येरा कॉल हिस्ट्री, ये री लाउडनेस आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे ओके ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी मिलता है आपके फ़ोन में, और यहाँ पे वापस से फ़ोन में ले भी सकते हो, मतलब वॉच में। ये रहा इसमें साउंड क्वालिटी मिलती है, और दोनों में ही आपको सेकंड प्रोफाइल आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, देन ओनली वर्क करेगा, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। लाउडनेस डेफिनेटली इसकी ज़्यादा है इस वाले की डेफिनेटली, और एज़ कम्पेयर टू दैट वन, और ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी और वॉइस असिस्टेंट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब गाइस ओवर टू द हैंड्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे किसकी क्वालिटी अच्छी है, और मतलब क्वालिटी क्या, मतलब इन हैंड फील किसका बेटर है, और लास्ट टू मीडियम वेस्ट के लिए कौन सी बेटर रहेगी, और साथ में SPU 2000 मॉनिटर से भी स्कैन करना ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रैप की क्वालिटी तो डेफिनेटली इससे बेटर मेरे को उसी की लगी है, ऑलमाइटी की। तो दोनों को ही पहन लिया है, डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की कमाल ही लग रही है वैसे तो। अब गाइस यहाँ पे हम होल्ड द हैंड्स यहाँ पे चेक करते हैं, ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैं बटन को टैप करता हूँ, हार्ट रेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी ये रही। अब यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रहा है ना 84, और 97 SPU 2000 दिखा रहा है, 85 तक हो चुका है, यहाँ पे 86 दिखा रहा है, क्लोज टू एक्यूरेट है, यहाँ पे भी स्कैन कर रहा है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे 86 हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है 87, यहाँ पे भी क्लोज टू एक्यूरेट है, 89 दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 87-86 पे है, और यहाँ पे भी 87-86 पे है। तो अच्छी बात है। यहाँ पे SPU 2 चेक करते हैं, SPU 2 कहाँ गया इसमें, यहाँ पे 97 शो कर रहे हैं, और यहाँ पे देखते हैं कितना दिखाता है। वैसे गाइज अगर हम बात करें ओवर टू द हैंड्स, यहाँ पे लार्ज वेस्ट के लिए डेफिनेटली ये बेटर है ये वाली आपकी, और नॉर्मल टू थिन टू स्किनी वेस्ट के लिए, स्किनी वेस्ट पे तो मैं दोनों में से कोई भी रिकमेंड नहीं करता, बट गाइज अगर आपको लार्ज टू मीडियम वेस्ट के लिए लेनी चाहिए तो आपको दोनों ही वॉचेस चूज़ करनी चाहिए। और एक अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पे प्रीमियमनेस में, ये बहुत ही आगे, और फीचर्स के मामले में ये आगे निकल जाती है आपकी, राइट। और यहाँ पे आपको फीचर्स थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता आपको, रिंगटोन में सेट करने का ऑप्शन, पूरा म्यूट करने का ऑप्शन, इसमें आपको पूरा म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइज इस तरीके से आपको मिल जाता है। वैसे गाइज आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, मेरा वोट जाता है वैसे ऑलमाइटी को लुक्स के मामले, फीचर्स के मामले में इस वॉच के लिए जाता है, और मैं चूज़ करूँगा ये वाली वॉच अगर हम फीचर्स को देखें तो, बट लुक्स के मामले में इसको कोई बीट नहीं कर सकते। 14-15 हज़ार रुपये की वॉच डेफिनेटली लग रही है। एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही है, डिस्प्ले इसका साइज़ बड़ा मिल जाता है 1.39 इंच का, 1.3 इंच का इसका मिल जाता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आपसे भी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।